गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ही हमारा विषय है हिंदी, पाठ आठ है बापू का पत्र। बापू, आपको पता है ना हम किसे बोलते हैं? महात्मा गांधी को। इन्होंने, बापू ने जो है मतलब जेल में, प्रिटोरिया जेल में रह करके अपने बेटे को पत्र लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थान प्रिटोरिया जेल, दिनांक 25 मार्च 1909। ने कब लिखी थी पत्र? 25 मार्च 1909 को। प्रिय पुत्र, देखा अपने पुत्र के बारे में उन्होंने लिखा ना, प्रति मास एक पत्र लिखने, एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। प्रति मास मतलब हर महीने। अब मैं पत्र लिखूं तो किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। मतलब पत्र लिखते टाइम बापू को इन तीनों का नाम याद आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय मुझे तुम्हारा ही ध्यान बराबर रहता था। फिर उन्होंने लिखा, मेरे बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। मतलब जो बापू हैं वो बिल्कुल मतलब सुरक्षित है। वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि मैं जो है अभी सुरक्षित हूँ जेल में। आशा है बा अच्छी हो गई होंगी। बा गुजराती भाषा में हम माँ को बोलते हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा, तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे, और अब तुम्हारे विषय में कुछ कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर तो जवाबदारी मैंने डाली है, मतलब जिम्मेदारी जो बापू ने अपने पुत्र पर डाली थी। तुम उसके सर्वथा योग्य हो, सर्वथा मतलब हमेशा तुम उसके लायक हो, और आनंद से उसे निभा रहे होगे। मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। मतलब असंतोष मतलब पूरी तरीके से वो उनका जो पुत्र था अपनी पढ़ाई को लेकर सेटिस्फाइड नहीं था। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं, मतलब केवल किताबें पढ़ना ये अभी शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। मतलब सच्ची शिक्षा, बापू का कहने का यह मतलब है कि उनके लिए सच्ची शिक्षा यह है कि तुम दूसरों का कितना आदर कर रहे हो, तुम अपने काम के प्रति कितने लायक हो। यदि यह दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण मतलब देखने का नज़रिया, और मेरे विचार से तो ये बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता? रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। मतलब जो बापू ने कहा है कि तुम अगर अपने अपने पुत्र से, कि तुम अगर अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे हो, तो तुम्हारी शिक्षा मतलब तुम्हारा जो स्वभाव जो है इसी से अच्छा बना रहेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उपनिषदों की समालोचना में जो नत्थुराम ने लिखा, उसमें से एक वाक्य का मुझ पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यह बात सही है। आमोद प्रमोद एक निश्चित, आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन एंटरटेनमेंट देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जवाबदारी और कर्तव्य का भाव होना, जवाबदारी मतलब जिम्मेदारी, कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा रख करनी चाहिए। मतलब उनके जो भी आचार, मतलब रहने का ढंग या जो भी, अच्छे से रहना चाहिए और सही सोच रखनी चाहिए, और यह वे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। मतलब कि जो भी आप पे जिम्मेदारी देती है, आप उसे बोझ ना समझ करके उसे अच्छे से उस काम को करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। कृत्रिम मतलब दिखावा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं आप दूसरों की सेवा करें, नहीं, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था, तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद मुझे आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मिला है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। निर्वाह मतलब अपना जीवन यापन। ये 3 बातें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान। मतलब अपनी आत्मा मतलब खुद को आप पहचानो, अपने आप का मतलब खुद की, मतलब खुद को आप कैसे देखभाल कर सकते हो, ईश्वर का मतलब भगवान की भक्ति भाव।
इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। यह मैं नहीं चाहता, इससे लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास खोदने, गड्ढे भरने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने पूरे परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह मतलब कलेक्शन तुम्हें तैयार करना। जे वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान, प्रीशियस, मूल्यवान मतलब कीमती, प्रीशियस प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुम्हें यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। मतलब कि शांत मन से अगर तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो तुम उसे आसानी से पा लोगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसा का हिसाब रखते होगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे, रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब कितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। श्री मनील लाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फीनिक्स, नेटाल। महात्मा गांधी। अब हम इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। शब्दार्थ: प्रतिमास, प्रत्येक महीने, उदारता, दयालुता, योग्य, लायक, जवाबदारी, जिम्मेदारी, दृष्टिकोण, नजरिया, देखने का भाव, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, कृत्रिम, बनावटी, सुखद, सुख देने वाला, औजार, हथियार, सुव्यवस्थित, अच्छी और सुंदर, व्यवस्था से युक्त, संग्रह, समूह, इकट्ठा, प्रमाणित, सिद्ध। नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गांधी जी को प्रतिमास कितने पत्र लिखने का अधिकार प्राप्त था? तो एक। गांधी जेल में गांधी जी को बाघ के स्वास्थ्य में सुधार होने की खबर किसने दी? डिप्टी गवर्नर ने। एक निश्चय आयु तक क्या शोभा देता है? आमोद प्रमोद। बच्चों को अपने आचार विचार में किसके प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए? तो दोनों के ही, सत्य के और अहिंसा के। बचपन में गांधी जी को किसकी सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था? तो पिताजी की। गांधी जी ने सूर्योदय से पहले उठकर क्या करना अच्छा बताया? तो प्रार्थना। ये मैं आपको वर्कशीट में करवाऊंगी प्रश्न उत्तर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने आपको। सूर्योदय, सूर्यास्त, सुखद, दुखद, आशा, निराशा, बाकी खुद करोगे। पाठ में रौ, रेफ और रौ पदेन के कोई तीन तीन व शब्द छांट कर लिखे। रौ रेफ के गवर्नर महत्वपूर्ण, र पदेन प्रति संग्रह, बाकी दो आप खुद करोगे। दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रतिदिन आप ये खुद करोगे, जैसे प्रतिदिन मैं योगा करता हूँ, तो ए वाक्य हो गया, बाकी आप खुद करोगे। अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। आज डेट हमारी 17 अगस्त 2021 है, डेट ट्यूजडे है हमारा। होमवर्कशीट 46, सब्जेक्ट हिंदी है हमारा। आठ जो मैंने बापू का पत्र करवाया उससे रिलेटेड ही हमारी वर्कशीट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी को पत्र लिखने के लिए किस किस का ख्याल आया? गांधी जी को पत्र लिखने के लिए मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलर का, वो अपने पुत्र का ख्याल आया। गांधी जी ने पत्र किसी और कब लिखा? गांधी जी ने पत्र अपने पुत्र श्री मनीलाल गांधी को 25 मार्च 1909 में लिखा। गांधी जी को किसके
के पुत्र को किसके प्रति असंतोष था और क्यों? गांधी जी के पुत्र को शिक्षा के प्रति असंतोष था, क्योंकि गांधी जी यह समझते थे कि सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। गांधी जी के विचार से तीन महत्वपूर्ण बातें कौन सी? गांधी जी के विचार से तीन महत्वपूर्ण बातें यह है कि अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। गांधी जी ने अपने पुत्र से खेत की देखरेख के लिए के विषय में क्या कहा था? गांधी जी ने अपने पुत्र से खेत की देखरेख के विषय में यह कहा था कि खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने में पूरा समय देना, भविष्य में अपना हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है, सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अपने पुत्र के लिए किन संग्रहों और बातों को गांधी जी ने उपयोगी व सहायक बताया? हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों को भजनों और कविताओं को संग्रह बताया। शांत चित्त से विचारपूर्वक सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा को उपयोगी व सहायक बताया। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने आपको उदारता, दयालुता, औजार, हथियार, प्रमाणित, सिद्ध, कृत्रिम, बनावटी, संग्रह, इकट्ठा, योग्य, लायक। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं संभव का असंभव, वीर, कायर, बाकी खुद करोगे। नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने, जैसे रात का रात्रि, निशा रजनी, बाकी दो आप खुद करोगे। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।